मुस्लिम लीग नून का जलसा एबटाबाद के कॉलेज ग्राउंड में है। जलसे की तैयारियां मुकम्मल है, पिंडाल को सजाया जा रहा है। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक जलसागाह में तकरीबन 10 से 12 हजार कुर्सियां लगाई गई हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ सपहर तक पिंडाल में पहुंच जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद, आसिफ किरमानी और सरदार मेहताब अहमद खान ने भी जलसागाह का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ किरमानी का कहना था कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, कबल अज वक्त इंतखाबात का कोई जवाब नहीं। परवेज रशीद का कहना था कि इमरान खान अगले इलेक्शन से खौफजदा हैं। इमरान खान 2018 के इंतखाब से खौफजदा है, भागने के रास्ते तलाश कर रहा है। जिन लोगों की सियासत तहलील हो रही है वो पार्लियामेंट को तहलील करने के ख्वाब देखते हैं। जलसे के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त हैं। कॉलेज रोड को दो अतराफ से बंद किया गया है। जलसे में आने के लिए वॉक थ्रू गेट भी नस्ब हैं। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों की आमद जारी है। शहर भर में इस्तकबालिया बैनर्स भी लगाए गए हैं।